नमस्कार दोस्तों, सेल्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज है तारीख 14 दिसंबर और टाइम हो रहा है 6:52 सुबह के। तो हम आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आई एम कंटिन्यूसली इन लॉस पिछले 5.5 मंथ से, लेकिन ऑन ईयरली बेसिस में प्रॉफिट में हो लगभग कितना है वो देख लेते हैं। चलते आप रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स में, उसके बाद रियलाइज प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट। इक्विटी में कोई ट्रेड नहीं किया है, मैं भी डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तारीख आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, लेकिन 31 मार्च 2023 अभी तक आया नहीं है। मैं यहाँ पे डेट आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिल्टर में, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। आज 14 तारीख है तो दिसंबर मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे 14 तारीख कंफर्म डेट, और यहाँ पे मैं अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/4/2022 से 14/12/2022, 1 अप्रैल 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक ये यहाँ पे डेट है। तो ऑन ईयरली बेसिस में प्रॉफिट में हूँ 2,97,084 रुपीज़, लेकिन लास्ट के जो 5.5 मंथ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले 14 दिन टोटली मैं लॉस में हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पहले जो 3 मंथ थे, अप्रैल, मई एंड जून, उसमें हमने कितना कितना प्रॉफिट किया था। तो हम फिर से चलते हैं फिल्टर में, यहाँ पे फिल्टर, तो हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 अप्रैल यहाँ पे आ गया है, कोई इशू नहीं, कंफर्म डेट करते हैं। और उसके बाद चलते आगे अप्रैल की एंडिंग में, यहाँ पे 30 अप्रैल 2022 कंफर्म डेट। तो अप्लाई फिल्टर करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, अप्रैल मंथ अलोन में हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो था 1,64,439 रुपीज़। ये है, यहाँ पे देखिए 1/4/2022 से 30/4/2022 में हमें इतना प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट मंथ में फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा फिल्टर, और अब हम चलते हैं मई में। ये सेलेक्ट नहीं होगा, एक मिनट, अगला मंथ वाला सेलेक्ट। अब हम चलते हैं मई 2022 में, यहाँ पे 31 मई सेलेक्ट कर लेता हूँ कंफर्म डेट। उसके बाद यहाँ पे मई में 1 मई कंफर्म डेट, यहाँ पे देखिए 1/5/2022 से 30/5/2022, मई 2022। तो फिर से हम अप्लाई फिल्टर देते हैं। यहाँ पे मई में हमें प्रॉफिट हुआ था 5,17,014 रुपये का। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बढ़ गई ना, तो प्रॉफिट होने के बाद ऐसे ही होता है, और जब लॉस होता है तो आवाज़ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, तो ऐसा चलता रहता है। यहाँ पे देखिए डेट 1/5/2022 और 31/5/2022। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मई की 27 मई की डेट थी शायद, उसी दिन 4.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था एक ही दिन में, और कैपिटल अवेलेबल था मेरा कुछ तो था 50 से 60 हज़ार के आसपास। तो आप ये देखिए 5,17,000 विद इन अ मंथ, और उसमें से 4.5 लाख रुपये प्रॉफिट एक ही दिन में हुआ था। तो हम नीचे चलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, 27 जून की वो डेट थी, 26 जून थी, हाँ सॉरी 26 जून थी। यहाँ पे देखिए 26 जून 3,04,000, 26 जून 67,000, ऐसे 4.5 लाख प्रॉफिट होता है। उसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 26 जून को मैंने 50 या 60 हज़ार रुपये, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, उससे लगभग 4.5 लाख रुपये बनाए थे। तो ये था हमारा मई मंथ, जिसमें
हमें प्रॉफिट हुआ था 5,70,000 रुपीज़ का। तो अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। जैसे कि हमने देखा अप्रैल में हमें प्रॉफिट हुआ था 1,64,000 का, मई में प्रॉफिट हुआ है 5,70,000 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट चलते हैं जून में। यहाँ पे फिर से फिल्टर इन डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम चलते 30 जून कन्फर्म डेट, और उसके बाद नेक्स्ट जून 1 जून कन्फर्म डेट अप्लाई फिल्टर्स। तो जून में बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ था, 21,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे लॉसेस बहुत बड़े बड़े 1,81,000 रुपीज़, फिर भी वो मैनेज 1,64,000 रुपीज़, 1,49,000 रुपीज़, ये बड़े बड़े लॉसेस है। लेकिन यहाँ पे भी 16 जून की एक्सपायरी थी, मुझे याद है अच्छे से, यहाँ पे भी हमें 5,00,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये जो बड़े बड़े लॉसेस है उनके कारण ये सारा, ये देखिए इंट्राडे में लगभग 4,00,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। ये तो पूरी एक्सपायरी है, 5 दिन का काउंटेड है, लेकिन मुझे याद है अच्छे से, वो मैं 2 वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि मैंने 50,000 या 60,000 रुपये से एक बार और लगभग 80,000 रुपये से 4,50,000 एक बार और 5,00,000 प्रॉफिट कैसे बनाए थे, वो 2 वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। अब मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन मेरे अच्छे दिन भी चल रहे थे, तो उन दिनों में मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया था वो भी मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे देखिए लॉसेस, यहाँ पे देखिए 4,61,000 रुपीज़ ये पुट में प्रॉफिट हुआ है पुट। लेकिन इसमें गलती ये हुई थी कि उसके ये 1,50,000 का लॉस है, लगभग 1,64,000 का लॉस है। ये काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस होने के कारण, और वो 1,80,000 ये लगभग 4,50,000-5,00,000 के लॉसेस हो गए, ज़्यादा हो गए। तो फर्स्ट 3 मंथ में मैं टोटली प्रॉफिटेबल था, और अब मैं टोटल दिखाता हूँ फर्स्ट 3 मंथ का। फिर से चलते हैं फिल्टर, और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स। तो फर्स्ट 3 मंथ में हम प्रॉफिटेबल थे 7,02,961 रुपीज़, ये हमारा 3 मंथ्स का है, और इतना प्रॉफिट हमारा है 7,02,961 रुपीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट के 5 मंथ्स। फिर से हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आज कितनी तारीख है, दिसंबर में आधे से दे, अगर मैं डिटेल में बनाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस पिछले 5.5 मंथ से लॉसेस में हूँ। 14 दिसंबर कन्फर्म डेट, और यहाँ पे फिर से चलते हैं 1 जुलाई से कन्फर्म डेट अप्लाई फिल्टर्स। तो यहाँ पे पिछले 5.5 मंथ में लॉसेस में चल रहे लगभग 1 जुलाई 22 से दिसंबर 14-22, यहाँ पे लॉसेस है 4,05,866 रुपीज़। तो एट द एंड यही कहूँगा फ्रेंड्स कि मैं पहले 3 मंथ में प्रॉफिट में था लगभग 7,00,000 के आसपास, लेकिन पिछले 5.5 मंथ से कंटिन्यूसली लॉस में चल रहा है 4,05,000 रुपीज़। और एट द एंड कंक्लूजन यही है कि ऑन द ईयरली बेसिस में प्रॉफिट में हो, वो भी दिखा देते एट द एंड। फिर से चलते फिल्टर्स में, यहाँ पे रिटर्न जाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022, और ये तो डेट सेलेक्ट ही है। चौदह दिसंबर 2022 तो अप्लाई फिल्टर करते 1/4/22 से 14/12/2022। तो फाइनल हमारा प्रॉफिट है 2,97,084 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ऑन द ईयरली बेसिस स्टिल हम प्रॉफिट में हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं अपनी गलतियों के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने जो जो गलतियाँ की है वो प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि खुद से गलती करने से अच्छा रहता है कि हम दूसरों से गलती से सीखें।
तो अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा था फ्रेंड्स, आप भी ट्रेडिंग कर रहे थे, डेफिनेटली आपको गलतियाँ ना करें, ताकि जो तकलीफें जो परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ वो आप ना झेलें। और कृपया करके लोन के पैसे से बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं ये दिन दिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।